प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जहां एक ओर बीपीएल परिवारों को कोरोना राहत के रूप में मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वहीं केंद्र सरकार ने देश के 8 करोड़ से अधिक प्रवासी गरीबों को भी मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भी हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। डीडी न्यूज से बातचीत में प्रवासी मजदूरों ने मुफ्त राशन देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। मैं यूपी से मुरादाबाद से हूँ, यहाँ पर मजदूरी करते हैं और हम यहाँ पर मतलब भूखे, हमें रोटी पानी की तंगी हो रही थी, तो प्रधानमंत्री ने हमें राशन, फ्री राशन दिया है, दाल दिए, चावल दिए हैं। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं बिहार से हूँ, यहाँ पे मेहनत मजदूरी करता हूँ और राशन पानी का बहुत दिक्कत हो रहा था यहाँ पे। जिस दिन से मोदी सरकार ने सारे चीज़ प्रबंध किया, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। आजकल बेले बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री जो दे रहे राशन पता है, इसके लिए बहुत बड़ा आभारी। जो छदी प्रधानमंत्री जो योजना आ रही है, सब कुछ दे रहे, 3-4 बहुत राशन मिल गया। शिमला जिले में भी हजारों परिवारों को प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ मिला है और बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है। मेरे को ये अभी तो चावल फ्री में मिले हैं, तो मेरे को काला चना मिला है फ्री में। मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे फ्री में राशन दे रहे हैं। कोरोना की मुश्किल घड़ी में जो सरकार ने हमारे राशन को जो मदद किया, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं ढाबे में काम करती थी, आजकल तो काम बंद है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हमें राशन पानी फ्री मिला है, दाल मिली है, 4 चावल और आटा सब कुछ मिला है, और हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रवासी मजदूर और बीपीएल परिवार निश्चित रूप से कोरोना महामारी के इस दौर में मुफ्त राशन पाने के हकदार हैं और केंद्र सरकार ने इन परिवारों का ख्याल रखा है। डीडी न्यूज के लिए ऊना से राजीव शर्मा और शिमला से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट।